हे गाइस, टेक्नोलॉजी जी के। तो गाइस, PSPCL यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है वो है अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइनमैन। ठीक है, लाइनमैन की जो अप्रेंटिसशिप होती है उसके बारे में है। तो इसी वीडियो में आपको बताऊँगा अप्रेंटिसशिप है क्या, इसके लिए अप्लाई आप कैसे करेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सिलेक्शन कैसे होगी एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप मिस ना कर पाएं। ओके, तो गाइज आप बात करते हैं अप्रेंटिसशिप है क्या। सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे आप ITI करते हैं, जैसे ITI अगर आपने की किसी भी ट्रेड में, फॉर एग्जांपल वायरमैन एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर आपने ITI करी है, ITI करने के बाद मान लीजिए आपकी 2 साल की ITI है, ITI करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं की तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल PSPCL ने कुछ मंथ पहले वैकेंसी निकाली थी लाइनमैन की। लाइनमैन की वैकेंसी निकाली थी, उसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी थी ITI प्लस अप्रेंटिसशिप। आपके पास ITI होनी चाहिए वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन में, साथ में आपके पास होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप। तो गाइस ये जो अप्रेंटिसशिप है इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जिन कैंडिडेट्स ने अप्रेंटिसशिप करी होती है वो ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिंपल ITI करी है वो अप्लाई नहीं कर सकते उन पोस्ट के लिए। एंड आपको एक बार और बता दूं, अप्रेंटिसशिप के जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की होती है उनकी डायरेक्ट जो होती है मेरिट लगती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल लाइनमैन की अगर वैकेंसी निकल जाती है, लाइनमैन की वैकेंसी निकलती है, मान लो 2000 वैकेंसी निकलती है, इसके लिए आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन आपकी होगी जो आपके ITI के मार्क्स हैं उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। एंड साथ में आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप ना करी हो तो गाइस आप एलिजिबल ही नहीं है इस पोस्ट के लिए। कोई रिटर्न नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपकी मेरिट लगती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अप्रेंटिसशिप की वैल्यू क्या है। तो गाइस इस साल की जो अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए नोटिफिकेशन है। ये टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आप देख लेते हैं कितनी शीट्स हैं। वो हैं 850 शीट हैं अगर आपने ITI की हुई है, किसमें, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रिशियन में। दो तरह की ITI में अगर आपने की हुई है तो आप लाइनमैन के लिए अप्रेंटिसशिप है जो इस साल की, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर है। जो एलिजिबल है वो तो इसको जरूर फिल करेंगे एंड करना भी चाहिए। तो गाइस नंबर ऑफ सीट 850। एंड कितने साल की होती है ये अप्रेंटिसशिप, ये होती है 1 ईयर की। 1 ईयर की जो अप्रेंटिसशिप होती है आपकी। तो कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। जर्नल 510, SC ST 212 एंड BC 102। बाकी फिजिकल हैंडीकैप डीफ एंड डम ओनली 26 वैकेंसीज हैं। टोटल मिला के जो वैकेंसीज है वो हैं 850। एज लिमिट के बारे में बता दूं, एज लिमिट के बारे में इन्होंने जहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली एज होती है वो आपकी 39 तक एज होती है। बाकी इन्होंने जो ये एक्ट दिया इस एक्ट के हिसाब से ही आपको एज लिमिट रखी जाएगी। बाकी जो आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 साल के लिए जो अप्रेंटिसशिप होगी आपकी, 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। इस अप्रेंटिसशिप में आपको जो जे हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की उनको पैसे भी मिलते हैं, मंथली उनको सैलरी कह सकते हैं आप, वो मुझे नहीं पता कितनी मिलती है लेकिन उनको मिलती है, उनका जो जिससे वो गुजारा कर सके उतनी सैलरी आपको मिलती है। उसके बाद रिजर्वेशन आपको पता ही है, रिजर्वेशन के हिसाब से वैकेंसीज इन्होंने बताई हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दूं, अगर आपने अप्रेंटिसशिप करनी है तो गाइस आपके ITI के बेस पे जो मेरिट लगेगी। मान लीजिए आपके 80% मार्क्स हैं, 1 के 70 हैं, तो आपकी सिलेक्शन पहले होगी। जो टॉप 850 कैंडिडेट्स होंगे उनकी सिलेक्शन होगी अप्रेंटिसशिप के लिए। तो जहाँ पे मेरिट चलेगी सिर्फ ITI के मार्क्स के बेस पे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना। आपने अप्लाई करने के लिए आपको www.pspcl.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक को ओपन कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। इस PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद इसकी कोई फ़ीस नहीं है, अप्लाई करने की कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइए, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कीजिए, फ़ोटो ऐड कीजिए, साइन ऐड कीजिए, बाकी जो फर्दर जो कुछ भी आपसे मांगेंगे वो आप वहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ।
ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 2 नवंबर से, यानी कि आज से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं। अभी अभी लिंक एक्टिव हुआ है तो अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, लास्ट डेट है वो है 24 नवंबर। 24 नवंबर तक आप 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके एंड गाइज, इसका प्रिंटआउट जरूर सेव करके रखिएगा क्योंकि फॉर इन फ्यूचर आपको वो जरूर काम पड़ेगा उसका। ओके एंड www.pspcljay वेबसाइट का लिंक आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो गाइज ये जो पूरी नोटिफिकेशन है मैंने आपको बता दी, अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके हर कमेंट की रिप्लाई करूंगा। ओके एंड गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, आपने मुझे समझ दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।